मॉर्निंग, मैं कैलाश वासु, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सवाई माधोपुर से, एमई 206 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के टॉपिक टाइप्स ऑफ क्लच के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में आपको बताया था कि किस तरह से किसी भी ऑटोमोबाइल के अंदर, व्हीकल के अंदर इंजन से पावर को रियर व्हील तक पहुंचाया जाता है। उसी के क्रम में आज जो सबसे प्रमुख भाग होता है इंजन से पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है, वो होती है क्लच। तो क्लच का जो फंक्शन है, उसकी जो वर्किंग है, उसके जो टाइप है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्लच का, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उपयोग अगर हम समझना चाहें तो इसका उपयोग पावर को एंगेज और डिसएंगेज के लिए किया जाता है। यानी कि अगर हम इंजन से पावर को ट्रांसमिशन सिस्टम में आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं तो उस क्लच को एंगेज पोजीशन में रखा जाता है, और अगर हम पावर को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि पावर इंजन से आगे की तरफ मूव करे, संचरित करे, तो हम उस क्लच की सहायता से डिसएंगेज कर देते हैं, जिससे कि पावर आगे की तरफ अग्रसित नहीं होती। तो इस क्लच को अगर हम वर्गीकृत करना चाहें या समझना चाहें कि कितने प्रकार के क्लचेस होते हैं, तो प्रमुखतः फ्रिक्शन क्लच ज्यादातर गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर फ्रिक्शन का सिद्धांत काम में लिया जाता है। फ्रिक्शन का आधार यह होता है कि जितना ज्यादा सतहों में घर्षण होगा, उतना ही उसके अंदर गति प्रदान करने की क्षमता होगी। आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं, अगर दो सतह जैसे मेरी हथेली है, अगर इनके बीच में घर्षण की जगह अगर हम कोई ऐसा मटेरियल डाल दें, ऑयली प्रोडक्ट डाल दें, तो जिससे ये हाथ आसानी से फिस लेंगे, यानी कि एक हाथ अगर उसके ऊपर चलाएं, दूसरा हाथ आसानी से फिस लेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में घर्षण कम है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर एक सतह चल रही तो दूसरी को भी चलाना चाहते हैं, तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं इन दोनों के बीच में घर्षण गुणांक को बढ़ाकर। यानी कि दोनों सतहों के बीच में अगर घर्षण गुणांक ज्यादा होगा तो दोनों सतहों के मूवमेंट होने की, यानी गतिमान होने की संभावना बढ़ जाती है। ये सिद्धांत कार्यरत होता है किसी भी फ्रिक्शन क्लच के अंदर। यानी अगर हम फ्रिक्शन क्लच बना रहे हैं तो हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है कि उनके बीच में घर्षण गुणांक को बढ़ाना। तो घर्षण को उत्पन्न करने के लिए जो हमारे विभिन्न प्रकार के क्लचेस हैं, जिनका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल में किया जाता है, उसमें सबसे पहला आता है सिंगल प्लेट क्लच। तो सिंगल प्लेट क्लच का अगर हम कंस्ट्रक्शन देखना चाहें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक ड्राइविंग मेंबर, जो फ्लाईव्हील कनेक्ट होता है क्रैंकशाफ्ट से, एक होता है ड्रिवन मेंबर जो प्रेशर प्लेट होती है, और एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें स्प्रिंग्स होते हैं, क्लच पैडल होता है, लीवरेज होता है, जिसकी सहायता से हम प्रेशर प्लेट को ड्राइविंग मेंबर के साथ संपर्क में या उससे अलग करने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसको मैंने चित्र से बताने की कोशिश की है कि सिंगल प्लेट क्लच किस तरीके से वर्क करता है। अगर पैडल को प्रेस करते हैं, क्लच पैडल को, तो उससे होता यह है कि जो प्रेशर प्लेट और ड्राइविंग मेंबर यानी फ्लाईव्हील के बीच में जो क्लच प्लेट लगी होती है वो आपस में संपर्क में आती है। पैडल को प्रेस करते ही वो डिसएंगेज हो जाती है और पैडल को रिलीज करते ही वो एंगेज पोजीशन में आ जाती है। इस तरीके से पावर को सिंगल प्लेट क्लच की सहायता से आगे की तरफ ट्रांसमिट किया जाता है। और इस क्लच का जो उपयोग है वो मुख्यतः तब किया जाता है जब हम कभी गियर बॉक्स में गियर को शिफ्ट करना चाहते हैं या किसी व्हीकल के अंदर ब्रेक अप्लाई करना चाहते हैं। यानी जब ब्रेक लगाना है या गियर शिफ्ट करना है, उस समय हमें क्लच पैडल की सहायता से पावर को डिसएंगेज करना पड़ता है, और इस तरीके से सिंगल प्लेट क्लच वर्क करता है। इसी फ्रिक्शन क्लच में दूसरा आता है मल्टी प्लेट क्लच। यानी मल्टी प्लेट क्लच के अंदर बजाय सिंगल प्लेट के हम नंबर ऑफ प्लेट्स यानी एक से अधिक क्लच प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। तो ये मल्टी प्लेट क्लच जो है यह उस समय इस्तेमाल की जाती है जब हमें अधिक घर्षण गुणांक की आवश्यकता हो। यानी अगर हम सिंगल प्लेट से उतना घर्षण उत्पन्न नहीं कर सकते जितना कि हमें आवश्यक है, तो हम बजाय एक प्लेट के कई प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति ऐसी भी होती है जब हमारे इंजन और व्हीकल के अंदर इतना स्पेस नहीं होता, इतना स्थान नहीं होता कि हम उसको सिंगल प्लेट द्वारा उत्पन्न किया हुआ जो क्षेत्रफल है वो पर्याप्त हो घर्षण प्राप्त करने के लिए। यानी कि उस सिंगल प्लेट द्वारा जो सरफेस हमें मिल रही है वो इतनी सफिशियंट नहीं है कि हम उससे निर्धारित आघूर्ण को ट्रांसमिट कर सकें। उस समय क्या होता है, छोटी छोटी प्लेट्स बनाई जाती हैं, अल्टरनेट ऑर्डर में लगाई जाती हैं ड्राइविंग और ड्रिवन मेंबर पे, जो कि आपस में संपर्क में आती हैं अगर हम क्लच को एंगेज पोजिशन में रखते हैं।
इस मल्टीप्लर प्लेट क्लच का इस्तेमाल सामान्यतः छोटी गाड़ियों में या टू व्हीलर्स में किया जाता है। ये प्लेट क्लच भी अपने आप में दो तरह की होती है, एक ड्राई टाइप और एक वेट टाइप। ड्राई टाइप का अर्थ ये होता है कि हमने उन क्लच प्लेट्स के बीच में किसी तरीके का लुब्रिकेटिंग या कोई कूलिंग मीडियम नहीं रखा हुआ है, यानी कि जो प्लेट्स हैं वो एंगेज होती हैं और डिसएंगेज होती हैं विदाउट हैविंग एनी लुब्रिकेंट। उसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें अधिक घर्षण प्राप्त नहीं करना हो, यानी अधिक आघूर्ण की हमें ट्रांसमिशन नहीं करना, उस समय ड्राई टाइप का मल्टीप्लेट क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है कि जब मल्टीप्लेट क्लच का इस्तेमाल किया जाता है तो अधिक घर्षण होने के कारण उसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस अत्यधिक ऊष्मा को संचरित करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए हमें एक ऐसा मीडियम चाहिए होता है, ऐसा कूलिंग मटेरियल चाहिए होता है जिसकी सहायता से हम ऊष्मा को जल्दी से जल्दी संचरित कर सके। इसके लिए हम उसके अंदर कूलिंग ऑयल या लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं ताकि हमारा जो हीट मेंबर है टोटल क्लच प्लेट्स हैं वो ऊष्मा के कारण जल्दी से खराब नहीं हो। तो ये वेट टाइप क्लच है। इसी श्रेणी में नेक्स्ट जो क्लच आता है वो होता है कोन क्लच। हालांकि इस तरीके के क्लच का इस्तेमाल आजकल व्हीकल में नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ने के हिसाब से हमें इस चीज को समझना जरूरी होता है कि इस तरीके के क्लच का इस्तेमाल भी गाड़ियों में किया जाता था, आजकल नहीं किया जाता क्योंकि इसका उपयोग कुछ रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ लिमिट्स के कारण इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके अंदर एंगेजिंग और डिसएंगेजिंग की प्रॉब्लम रहती है। इसके अंदर वस्तुतः होता यह है कि कोन क्लच के दो मेंबर होते हैं जिसको हम मेल और फीमेल मेंबर कहते हैं। तो मेल फीमेल मेंबर का मतलब यह है कि एक पोर्शन इसका ड्राइविंग मेंबर पे यानी कि इंजन शाफ्ट पे रहता है और एक मेंबर इसका ड्रिवन मेंबर यानी कि ट्रांसमिशन शाफ्ट पे रहता है। तो दोनों मेंबर आपस में इस तरीके से एंगेज और डिसएंगेज होते हैं। तो ये कोन का कुछ पोर्शन होता है जिसकी बाहरी सतह घर्षण पदार्थ से जुड़ी होती है और इस घर्षण के कारण वो क्लच जैसे ही संपर्क में आते हैं दोनों मेंबर आपस में रोटेट करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही हम उनको डिसएंगेज करते हैं वो पावर को ट्रांसमिट करने से रोक देते हैं। तो इस तरीके से ये कोन क्लच का फंक्शनिंग है। और इसी श्रेणी के अंदर जो डी टाइप का है, चौथे टाइप का है, वो है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इस सेंट्रीफ्यूगल क्लच का इस्तेमाल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में किया जाता है जिसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती, यानी क्लच पैडल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही अपने आप में इतना ज्यादा बल प्रदान करता है कि इंटरनल मेंबर उस अभिकेंद्रीय बल के कारण, स्प्रिंग लोडेड के कारण, वो बाहर की तरफ मूव करता है और बाहरी सतह पर उसके घर्षण पदार्थ का, अंदरूनी सरफेस के घर्षण पदार्थ के साथ संपर्क आने से दोनों मेंबर यानी ड्राइविंग और ड्रिवन मेंबर रोटेट होना शुरू कर देते हैं जिसके आधार पर हम उस क्लच से पावर को ट्रांसमिट करने में सक्षम हो पाते हैं। इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। जो आजकल टू व्हीलर्स आते हैं उसमें इस तरीके के क्लचेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रमुखतः ये फ्रिक्शन जो क्लचेस हैं इन्हीं का ही इस्तेमाल ऑटोमोबाइल में किया जाता है। हालांकि और भी कई तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइड्रोलिक क्लचेस भी होते हैं जिनका हम व्हीकल्स में इस्तेमाल नहीं करते। तो ये आज मैंने बताया आपको